जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होना है। जिन इलाकों में वोट पड़ेंगे वो ज्यादातर सीमावर्ती इलाके हैं, इसलिए संवेदनशील भी हैं। उत्तरी कश्मीर में लड़ाई ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि तमाम पार्टियां दूसरे को बीजेपी की टीम बता रही हैं। इंजीनियर रशीद पर आरोप लगे हैं कि उनके पीछे बीजेपी की शह है, लेकिन अब इंजीनियर रशीद कह रहे हैं कि सबकी पोल खुल चुकी है। सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण की लड़ाई में मुकाबला बीजेपी, उसके एजेंट्स, बताए जाने वाले दलों या फिर इंडिपेंडेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, या फिर लड़ाई अंदरूनी और बाहर वालों के बीच की है। मुझे सबका एहतराम है, लेकिन लोगों की बात तो करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि फारूक अब्दुल्ला, अल्ताफ बुखारी की का सपोर्ट भी असेंबली में ले बड़गाम में और बीजेपी का एजेंट को बताए। अब ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव को कोई स्वाभिमान की लड़ाई बता रहा है तो कोई स्थानीय और बाहरी लोगों के बीच का मुकाबला बता रहा है। घाटी के राजनीतिक दल याद दिला रहे हैं कि पिछले 10 सालों से बाहरी लोग उन पर हुकूमत कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इन्हीं का है, सरकार भी इन्हीं के है, अफसर भी इन्हीं के है। जम्मू का कोई अफसर नहीं है चीफ सेक्रेटरी, जम्मू का कोई अफसर नहीं है डीजी, उस सब अफसर हो, एलजी हो, सब बीजेपी के बाहर से लाए हुए हैं। आतंक और जम्मू कश्मीर का रिश्ता पुराना है। तीसरे चरण में जिन इलाकों में अक्टूबर 1 को वोट डलेंगे उनमें कई संवेदनशील इलाके हैं। आखिरी चरण में बांदीपुरा, कुपवाड़ा और बारामूला में 16 सीटों में और जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर में 24 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उधमपुर की रैली में एक बार फिर दोहराया कि धारा 370 नहीं लौटेगी। दो विधान, दो प्रधान, दो निशान समाप्त कर दिए हैं। राहुल बाबा, आप क्या, आपकी तीन पीढ़ी की ताकत नहीं है 370 को वापस। वैसे दूसरे चरण में मतदान दोबारा कम हुआ, अब इसके लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दल केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मरकज की हुकूमत ने एक और गलती भी की, उन्होंने वो डिप्लोमेट्स की टीम लाई और वो शायद ये दिखाना चाहते थे श्रीनगर के हवाले से कि देखो जी श्रीनगर में इतनी बड़ी तब्दीली आई, तो श्रीनगर के लोग चाहते नहीं थे कि उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाए। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों पर अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि जब भी कोई मुश्किल का दौर जम्मू कश्मीर पर आता है तो वो दिल्ली की ओर देखते हैं, लेकिन 2019 के बाद राजनीति में यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। अब ये दल अपने अंदर ही विकल्प ढूंढ रहे हैं और इसका साफ साफ जो एक नतीजा है वो तीसरे चरण के मतदान में भी दिखाई पड़ रहा है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।